ये पांचवें उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था। मुसलमानों की फतुहात का डंका हर तरफ बज चुका था। उम्मी सल्तनत की सरहदें एक तरफ तो बुखारा समरकंद तक फैली हुई थीं, तो दूसरी तरफ स्पेन और पुर्तगाल भी इसका हिस्सा बन चुके थे। दुनिया का हर हुक्मरान खलीफा से मरासिम का ख्वाहिशमंद था। श्रीलंका के राजा ने भी इसी ख्वाहिश के तहत जहाज उम्मी खलीफा की खिदमत में रवाना किए, जिसमें कुछ मुसलमान भी सवार थे। दमिश्क जाते हुए देबल बंदरगाह पर जहाजों का ये काफिला कजाकों के हथे चढ़ गया। इराक के उम्मी गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को जब इसकी खबर लगी तो उसने सिंध के राजा दाहिर को जहाज की हवालगी का खत लिख दिया। राजा से इत्मीनान बख्श जवाब ना पाकर हजाज ने पे दर पे सिंध पर दो हमले किए। दोनों हमलों की नाकामी और दो बेहतरीन कमांडर्स की मौत ने हजाज को मजीद आग बगोला कर दिया और इसने राजा दाहिर को सबक सिखाने की ठान ली। हजाज ने सिंध पर हमले की खतरनाक मुहिम जोई की कमान के लिए भरपूर सोचो विचार किया। तवील मशोरे किए गए जिसमें नजूमियों का अमल दखल भी शामिल था। बिलाखिर कुर्रा नौजवान उम्मी कमांडर और हजाज के दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नाम निकला, जिसने 6000 सिपाहियों के लश्कर के साथ 711 ईस्वी में मार्का सिंध को सर करने का सफ़र शुरू किया। मैं हूं अली शान, दी प्रेस की सीरीज़ दास्तान हयात की इस एपिसोड में आप जान सकेंगे एक ऐसे नौजवान जंगजू की कहानी जिसने नौ उम्री में ही जंगी सलाहियतों के झंडे गाड़े। इराक के उम्मी गवर्नर ने इतनी बड़ी मुहिम कैसे एक नौजवान कमांडर के सुपुर्द की और 2 साल के मुख्तसर अरसे में सिंध से मुल्तान तक इस्लामी परचम लहराने वाले इस कमांडर का खौफनाक अंजाम क्यों हुआ? उसने सिंध की फतुहात में एक तरफ अपने आप को रुस्तम और सिकंदर से बड़ा बहादुर साबित किया तो दूसरी तरफ नौशेरवान से बढ़कर आदिल। अगर उसे मजीद मौका मिलता तो एशिया की तारीख का रुख ही और होता। उम्मी सल्तनत के नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मौर्रख के ये अल्फाज उसकी दलेरी, बहादुरी और फतुहात की शानदार तारीख का पता देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लामी सल्तनत के दारुल हुकूमत दमिश्क से हजारों मील दूर फतुहात की वो शानदार तारीख रकम की जो जंगी चालों, दुश्मन से मुकाबले और रियाया के साथ सलूक के हवाले से इस्लामी तारीख का रोशन बाब है। तारीख की किताबों में सिंध पर मुसलमानों के हमले की और भी कई वजूहात लिखी गई है, जिसमें देबल की बंदरगाह की तजारती अहमियत, उम्मी सल्तनत के बागियों की सिंध में महफूज पनागाह समेत दीगर शामिल। मगर इस मार्के में मौरखीन मोहम्मद बिन कासिम की शुजात, बहादुरी और जंगी असूलों की पासदारी जैसे औसाफ पर मुत्तफिक। इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। उनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हजाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सकफी खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। उनमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी शामिल थे, जिनको बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और यूं इब्तदाई तालीम के बाद वो फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने जंगी तरबियत दमिश्क से हासिल की और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत फौज में आला ओहदे पर फाइज हो गए। नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को 15 साल की उम्र में 708 ईस्वी को ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए सिपा सलारी के फराइज सौंपे गए। नौजवान कमांडर की बहादुरी ने उम्मी गवर्नर हजाज बिन यूसुफ को इतना मुतासिर किया कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बना दिया। सिंध पर हमले के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र के बारे में मौरखीन में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। मौलाना वहीदुद्दीन खान समेत दीगर कई नामवर मौरख उनकी उम्र 27 बरस बताते हैं, जबकि तारीख सिंध समेत दीगर कई किताबों में उनकी उम्र 17 बरस लिखी गई है। 710 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम शिराज में मौजूद था
और रे पर भरपूर हमले की तैयारियों में मसरूफ था, लेकिन उसे वहां से मकरान की जानिब सफ़र का हुक्म हुआ, जहां से उसे इस्लामी लश्कर की क़ियादत करते हुए सिंध पर हमले के लिए रवाना होना था। हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर लश्कर कशी की तैयारियों के लिए तमाम खजानों के मुंह खोल दिए थे। आम सामान के साथ 30,000 दिनार भी दिए गए। उसने फौजियों का इस हद तक ख्याल रखा कि लश्कर को सिरका की फरहमी यकीनी बनाने के लिए सिरका को रुई में तर करके खुश कर दिया गया, ताकि फौजी बवक्ते जरूरत इसका इस्तेमाल कर सके। हजाज बिन यूसुफ ने समुन्द्री रास्ते से 5 मंजनीके भी देबल की तरफ रवाना की। नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी में यह लश्कर मकरान के रास्ते देबल रवाना कर दिया गया, जो पहले पंजगोर पहुंचा, उसे फतह करता हुआ अरमन बेला पहुंचा और उसको फतह करते हुए देबल की जानिब बढ़ गया। दूसरी जानिब देबल शहर की फसीलों को गिराने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने किला के गिर्द 12 गज लंबी और 6 गज चौड़ी खंदक खुदवाई। मंजनीकों को किला के गिर्द नस्ब करवा दिया गया और 8 रोज तक शहर का मुहासरा किए रखा। 9वें रोज जब हजाज की जानिब से जंग का हुक्म मिला तो तुलुए आफ्ताब के वक्त शहर पर हमला कर दिया गया। दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए। देबल के मुहावजों ने भी भरपूर मजाहमत दिखाई। इसी दौरान एक ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम को शहर की फतह का राज बता दिया और कहा कि जब तक देबल के मंदिर की चोटी पर लगे सुर्ख झंडे को गिरा नहीं दिया जाता, तब तक अहले शहर के अकायद के मुताबिक कोई भी देबल शहर को फतह नहीं कर सकता। कई महीनों के मुहासरे के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन के मशोरे पर सबसे बड़ी मंजनीक उरूस से परचम को निशाना लगाने का हुक्म दिया, जिससे वो जमीन पर आ गिरा। मंदिर का गुंबद टुकड़ों में बट गया और यूं मुहाफजीन के बुलंद हौसले भी देबल की खाक में गर्क हो गए। शहर के दरवाजे खोल दिए गए और मुसलमान लश्कर शहर में दाखिल हो गया। शहर में हिंदुस्तान की पहली मस्जिद तामीर करवाई गई। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल को फतह करने के बाद फौरी हैदराबाद की जानिब पेशकदमी की। हैदराबाद के लोगों ने मुकाबले के बजाय अमान तलब की, जो मिल गई और ये शहर बगैर जंग के ही फतह कर लिया गया। यूं दरियाए सिंध के मगरबी किनारों को फतह करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने मशरकी किनारों का रुख किया, जहां रवाड़ किले में राजा दाहिर मौजूद था। मोहम्मद बिन कासिम ने रातों रात कश्तियों का एक अनोखा पुल तामीर करवाया, जिसके जरिए उसने दरियाए सिंध को अबूर किया। पुल पार करते वक्त राजा दाहिर के सिपाहियों ने मजामत की, लेकिन अरबों की तीरों की बारिश के सामने वो टिक ना सके। अब राजा दाहिर के पास जंग या इताअत के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचा था। चुनाचे इसने जंग का रास्ता अपनाया और इस्लामी लश्कर से 3 मील के फासले पर अपनी फौजों को इकट्ठा किया। मौरखीन लिखते हैं कि रमजान की तपती धूप में दोनों लश्कर भरपूर ताकत से मुकाबले में आए। राजा दाहिर भी एक सफेद हाथी पर मैदान जंग में मौजूद था। एक अरब मुजाहिद उमर बिन खालिद ने मुकाबले के दौरान राजा के सर पर ऐसी कारी जरब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया। राजा की मौत के साथ ही उसके लश्कर के हौसले पस्त हो गए और वो रवाड़ किले की जानिब भागे और खुद को किले में बंद कर लिया। लेकिन मुसलसल मुहासरे और मंजनीकों की संगबारी के नतीजे में राजा दाहिर की ताकत का मरकज भी फतह हो गया। राजा का सर काट कर दीगर माले गनीमत के हमरा इराक भिजवा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतुहात के सिलसिले को आगे बढ़ाया और मुल्तान की ज़मीन पर आ खड़ा हुआ। अजीम फातह के लिए मुल्तान की सरजमीन आखिरी मार्का साबित हुई, जो 95 हिजरी में उम्मवी सल्तनत में शामिल की गई। मोहम्मद बिन कासिम मजीद फतुहात के लिए तैयारियों में मसरूफ था, लेकिन खिलाफत में होने वाली बड़ी तब्दीलियों की वजह से उसके मनसूबे धरे के धरे रह गए। 95 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ वफात पा गया। उसके 1 साल बाद ही 96 हिजरी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। यूं मोहम्मद बिन कासिम अपने सरपरस्तों से महरूम हो गया और तस्वीर का रुख यकसर बदल गया। खलीफा सुलेमान को वलीद के दौर के बहुत से गवर्नरों से सख्त नफरत थी, जिनमें हजाज बिन यूसुफ भी शामिल था, जिसकी वफात के बाद अताब उसके दामाद पर भी गिरा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का नया वाली मुकरर कर दिया, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके इराक भिजवा दिया, जहां से उसे वासित जेल में डाल दिया गया। हजाज बिन यूसुफ से नफरत का बदला उसके भतीजे से इस तरह से लिया गया कि उसे जेल में हर तरह की अजियतें दी गई।
सात माह तक इन्हीं तकलीफ़ों का मुकाबला करते और लड़ते लड़ते वो आखिर दम तोड़ गया और यूँ अस्करी तारीख का रोशन चराग बाहमी नफ़रत की नज़र हो गई।